हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो हमने जो डेफिनेशन जो है फैक्टर थ्योरम और रिमेंडर थ्योरम की जो है वो लास्ट वीडियो में कर ली हुई है तो उसके साथ रिलेटेड ही एग्जाम्पल्स हैं एक्सरसाइज़ की तो आज हम वो दो एग्जाम्पल्स करेंगे फर्स्ट इज़ एग्जामिन वेदर एक्स प्लस टू इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमल एंड ऑफ दिस पोलिनोम देर आर टू पोलिनोम एंड इट इज गिवन दैट कि क्या एक्स प्लस टू जो है वह उसका फैक्टर है तो हमने फैक्टर थ्यूरम में क्या किया है कि अगर एक्स माइनस एनी पोलिनोमियल है ना सॉरी एक्स माइनस एनी रियल नंबर इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल देन इट्स रिमाइंडर विल भी जीरो ना है ना उसका रिमाइंडर क्या आएगा जीरो आएगा अगर हम इस में से रियल नंबर ए की वैल्यू फाइंड आउट करके उसको अगर हम इन दोनों पोलिन में पुट करके देखेंगे अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ गया देन इट विल बी फैक्टर अदरवाइज इट विल नॉट बी अ फैक्टर ऑफ दीज टू पोलिनॉमल्स ओके तो अगर आपको उनकी डेफिनेशंस चाहिए तो आप मेरी जो है लास्ट वीडियो जो है वह चेक कर सकते हैं मेरे चैनल में अपलोडेड है तो हमने देखना है ये फैक्टर है कि नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे फर्स्ट x प्लस टू की वैल्यू निकाल लेंगे उसको जीरो पुट करके वैल्यू निकालेंगे तो एक्स प्लस टू दैट मीन्स एक्स इज़ इक्वल टू माइनस टू अब हमने क्या करना है फर्स्ट इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखनी है इसकी वैल्यू क्या ज़ीरो आ रही है तो लेट इट इज़ पी पी ऑफ माइनस टू विल बी इक्वल टू इसमें पुट करोगे माइनस टू क्यू प्लस थ्री माइनस टू स्क्र प्लस फाइव माइनस टू प्लस सिक्स तो वैल्यू करो माइनस टू क्यूब क्यूब हो रहा है माइनस टू का तो इट इटवेल्व बी माइनस एट प्लस थ्री टू का माइनस टू का स्क्वेयर फोर माइनस टेन प्लस सिक्स माइनस एट प्लस ट्वेल्व माइनस टेन प्लस सिक्स तो जब आप सॉल्व करोगे इसको तो इट इटवेल्व बी दिस इज दिस इज माइनस माइनस टेन प्लस एट एटीन एंड दिस इज प्लस एटीन तो ज़ीरो आ गए तो दैट मीन्स एक्स प्लस टू इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स है ना एक्स प्लस टू किसका फैक्टर है पी एक्स का है नेक्स्ट हम इसका भी निकाल के देखेंगे दिस इज लेट इट इज़ जी एक्स है ना तो जी माइनस टू इज इक्वल टू टू इन टू माइनस टू प्लस फोर दिस विल बी इक्वल टू माइनस फोर प्लस फोर दिस इज ज़ीरो तो दैट मीन्स एक्स प्लस टू इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स एंड जी एक्स बोथ दोनों का ही फैक्टर है तो so, हमने एग्जामिन कर लिया ओके okay. तो so, ये समझ आ गई बहुत ईजी एग्जैम्पल है इसके साथ रिलेटेड हमारे एक्सरसाइज के सम्स होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बट ये एक्सरसाइज के जो सम्स हैं वो ऐसे ही हमने सॉल्व करने हैं अगर फैक्टर आपको गिवन है तो आप, आपका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो हो होगा ही होगा है ना तो अब क्या है उन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के ठीक है अगर ये फैक्टर है तो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर फैक्टर है है ना अगर x माइनस वन इफ़ x माइनस वन इज द फैक्टर ठीक है देन दैट मीन्स p ऑफ x माइनस वन की वैल्यू क्या होती है x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आएगी वन दैट मीन्स p ऑफ वन विल बी ज़ीरो जीरो आना चाहिए यहाँ पुट कर लेंगे पी ऑफ वन इज इक्व टू फोर वन क्यूब प्लस थ्री वन स्केयर माइनस फोर वन प्लस के पुट कर दो पी ऑफ वन इज़ ज़ीरो है ना जीरो पुट करो फोर वन क्यूब इज वन थ्री स्के वन स्केयर इज वन माइनस फोर प्लस के अब फाइंड आउट करो प्लस माइनस कैंसल आउट प्लस जीरो फैक्टर इज गिवन अगर फैक्टर गिवन है दैट मीन्स उसका रिमाइंडर जीरो है ऑटोमेटिकली हमने डेफिनेशन में ही कहा था कि हमने और कुछ नहीं करना सिर्फ अगर आपको गिवन है कि वो फैक्टर है तो उसका रिमाइंडर भी जीरो हो गई होगा ही होगा ओके these were the examples of the exercise of chapter number 2 division of polynomials uh, exercise 3 2.3 so after this video we will start the exercise sums okay thank you